जहाँ एक तरफ भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आपस में वनडे सीरीज के लिए भिड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व कप को लेकर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 चुन ली है। जी आपको बता दें कि भारत को T20 विश्व कप और 2011 विश्व कप जितवाने में अहम भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर ने अपने हिसाब से भारत की विश्व कप में होने वाली प्लेइंग 11 चुनी है। जी हाँ, गौतम गंभीर के मुताबिक उनकी टीम में रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अंबती रायडू, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल होंगे। यानी कि गंभीर के हिसाब से एक ऐसा नाम है जिसने 2 साल से कोई वनडे क्रिकेट नहीं खेला है। हम बात कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन को खिलाने की वकालत गौतम गंभीर ने की है। उन्होंने कहा है कि अगर रविचंद्रन अश्विन स्क्वाड में रहेंगे तो भारत को एक बड़ा फायदा हो सकता है। अब देखना होगा कि गौतम गंभीर का यह बयान क्या टीम के फायदे में आता है, क्योंकि गौतम गंभीर ने अपने हिसाब से प्लेइंग 11 चुनी है और उन्होंने कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया है। उनकी टीम में ऋषभ पंत नहीं है, उनकी टीम में रविंद्र जडेजा नहीं है, जिनका परफॉर्मेंस हाल ही में अश्विन से अच्छा रहा है। अब देखना होगा कि गौतम की चुनी हुई टीम क्या बीसीसीआई को रास आती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।